OnePlus Nord CE 3 Lite versus IQ Z7. Let's talk about this. तो गाइस अगर आप अंडर 20,000 फोन खरीदने का सोच रहे हो तो आपके पास ये दो बहुत कमाल के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों ही फोन आपको अंडर 20,000 रुपीस में मिल जाते हैं। OnePlus 20,000 रुपए में आपको ऑफर करता है 8GB रैम विद 128GB की स्टोरेज। वहीं IQ Z7 आपको मिल जाता है 19,000 रुपीस में, जिसमें आपको 6GB की रैम मिलती है और 128GB की स्टोरेज। तो भाई दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिजाइन एंड बिल्ड की। OnePlus आता है 6.52 इंचेस हाइट, 2.99 इंचेस विड्थ और 195 ग्राम्स के वेट के साथ। वहीं IQ की हाइट 6.26 इंचेस, 2.89 इंचेस इसकी विड्थ एंड 173 ग्राम के वेट के साथ आता है। तो डेफिनेटली ये फोन ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा लाइट वेट है और पकड़ने में इन हैंड फील ज्यादा अच्छी इसकी है। इन दोनों ही फोन के बैक साइड में आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। OnePlus का जो प्लास्टिक फ्रेम है यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको मैट टेक्सचर मिलता है, ऑल्सो एक कैमेलियन कलर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट तो नहीं मिलेंगे लेकिन एक कलर काफी यूनिक लगता है मेरे हिसाब से। दोनों में ही आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है बिकॉज़ भाई इस प्राइस रेंज में आपको यही मिलेगा। और दोनों के फ्रंट में आपको ग्लास मिल जाता है। OnePlus में आपको पंच होल मिल जाता है और यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोनों में ही काफी बड़ी बड़ी बेजल्स मिल जाती है एंड नीचे की तरफ पे एक बड़ी सी चिन मिल जाती है दोनों में ही। OnePlus के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको सिम ट्रे इजेक्टर मिल जाता है और इसके जस्ट नीचे वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं। राइट साइड पे आपको पावर की मिल जाती है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। हाँ ये OnePlus का फोन है लेकिन यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर नहीं मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है मेरे हिसाब से। नीचे की तरफ पे एक टाइप सी पोर्ट, स्पीकर्स और यहाँ पे 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, जो कि सेम आपको IQ में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो OnePlus का हेडफोन जैक है ये हल्का सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इसने हल्का सा यहाँ पे डेंट सा किया हुआ है। अगर आप फोन को पीछे से देखते हो तो भाई ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेंट सा आ गया है। वहीं IQ के लेफ्ट साइड पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। राइट साइड पे आपको इसकी पावर बटन, ऑल्सो दोनों वॉल्यूम बटन भी मिल जाती है। इसमें सिम डालने का ऑप्शन आपको ऊपर की साइड पे देखने को मिलता है। कैमरा मॉड्यूल की बात करूं तो इसमें पीछे की तरफ पे स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी डिफरेंट लुक देता है। ऑल्सो इसका लुक भी बहुत ही अलग देखने को मिलता है दूसरे OnePlus फोन से। यहाँ पे आपको दो कैमरा मॉड्यूल्स मिल जाते हैं और एक बड़ा सा फ्लैश देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे मैं डिजाइन की बात करूं तो OnePlus थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम दिखता है एज कम्पेयर टू IQ, लेकिन IQ का इनहैंड फील ज्यादा बेटर है। यह आपको पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा और यूज करने में भी। इन दोनों ही फोन को जब आप टेबल पे रखते हो और एक साइड से प्रेस करते हो तो दोनों के ही आपको बॉदर कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही काफी हिलते डुलते से हैं। अगर वाटर रेसिस्टेंट की बात करूं तो IQ आपको IP54 वाटर रेसिस्टेंट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिल रही है। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों के डिस्प्लेस की। OnePlus में आपको 6.72 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। ऑल्सो इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस 550 निट्स एंड पीक ब्राइटनेस 680 निट्स मिलती है। तो भाई 20,000 रुपए खर्च करके भी आपको LCD डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह कि ये 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। लेकिन ये चीज काफी डिसअपॉइंटिंग है कि इसमें आपको OLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर व्यूइंग एंगल की बात करूं तो भाई वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है बिकॉज ये LCD डिस्प्ले है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर से देखोगे नीचे से देखोगे तो व्यू जो है ये व्यूइंग एंगल आपको अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे इसमें। ऑल्सो वो फील नहीं आ पाता, भाई LCD डिस्प्ले क्यों ऑफर कर रहे हैं आज की डेट में भी मुझे समझ में नहीं आती है ये चीज। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करूं तो 120 हर्ट्ज काफी स्मूथ है, आपको ओवरऑल मजा आएगा, लेकिन LCD डिस्प्ले बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका। ब्राइटनेस की बात करूं तो ठीक ठाक सी ब्राइटनेस है, आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाली, लेकिन अगर बिल्कुल धूप में चले जाओगे तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर ले। वहीं अगर बात करूं IQ के डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.38 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे आप व्यूइंग एंगल भी देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है आपको। लेकिन ये एक 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा रिफ्रेश रेट में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनके एप्लीकेशंस में जब भी आप जाते हो तो ये मोस्टली 60 हर्ट्ज पे काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। FPS मीटर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं ये ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पे स्विच हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूट्यूब चलाया, दोनों के दोनों जो है वो 60 हर्ट्ज पे स्विच हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी आपको ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इतना ज्यादा। तो 90 हर्ट्ज मेरे हिसाब से कहीं से भी बुरा नहीं है इस वाले फोन में। ऑल्सो यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक अनदर एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि काफी ब्राइटर डिस्प्ले बना देती है इसको। तो डेफिनेटली ये डिस्प्ले बीट कर देता है बहुत बुरी तरीके से OnePlus Nord CE 3 Lite के डिस्प्ले को। यहाँ पे ओवरऑल शार्पनेस वगैरह और कलर्स देखने को मिल जाएंगे आपको IQ के डिस्प्ले में, तो डेफिनेटली IQ का डिस्प्ले यहाँ पे विनर हो जाता है। दोनों में ही आपको 1080x2400 के पिक्सल्स मिल जाते हैं।
सकते हैं, लेकिन दोनों की पिक्सल डेंसिटी थोड़ी सी अलग अलग है। OnePlus की 391 PPI और IQ में आपको 413 PPI मिलती है। YouTube की हाई सेटिंग्स की बात करूं तो OnePlus में आप 1080p तक का हाईएस्ट वीडियो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 2160p का ऑप्शन मिल जाता है, तो डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर हो जाता है IQ Z7। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों के चिपसेट की। OnePlus में आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर, जो कि एक 6 नैनोमीटर की चिप के साथ आता है। वहीं IQ Z7 में आपको MediaTek Dimensity 920 चिपसेट मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर का चिपसेट है। तो डेफिनेटली अगर मैं पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको ज्यादा IQ Z7 में देखने को मिलेगी। दोनों में ही आपको ऑक्टा कोर CPU मिल जाता है, और अगर GPU की बात करूं तो OnePlus में आपको Adreno 619 का GPU मिलता है और IQ में आपको Mali G68 का। अब कर लेते हैं इन दोनों का थोड़ा सा परफॉर्मेंस टेस्ट, और सबसे पहले करते हैं इन दोनों का Geekbench टेस्ट। यहाँ पे जो Geekbench के स्कोर थे वो काफी अमेजिंग थे। दोनों का जो सिंगल कोर का स्कोर था उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 100 पॉइंट्स का डिफरेंस था, OnePlus 898 और IQ 989। लेकिन यहाँ पे मल्टी कोर में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, OnePlus में 2059 और IQ का स्कोर था 2500। ऑल्सो टेस्ट करते वक्त OnePlus ने 1 मिनट का ज्यादा टाइम लिया था IQ से। वहीं अगर बात करूं कंप्यूट टेस्ट की तो कंप्यूट टेस्ट में 2 मिनट ज्यादा टाइम लिया था OnePlus ने, और यहाँ पे जो स्कोर थे वो थे 1272 OnePlus का और 2495 IQ का। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट से बीट कर देता है IQ। लेकिन यहाँ पे मेन टेस्ट तब होगा जब हम इन दोनों में ही वीडियो एडिटिंग टेस्ट करेंगे, और जब हमने दोनों में ही काइनमास्टर टेस्ट किया तो भाई जो रिजल्ट थे वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। यहाँ पे जब हमने दोनों की ही वीडियो एडिटिंग एक साथ हमने एक्सपोर्ट करी, इसके बाद 4 मिनट का ज्यादा टाइम लिया OnePlus ने, तो आप सोच सकते हो भाई कितना ज्यादा पावरफुल है IQ एज कम्पेयर टू OnePlus। वो इसलिए क्योंकि भाई MediaTek Dimensity का जो प्रोसेसर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू Snapdragon। अगर दोनों में डे टू डे टास्क करते हो तो दोनों ही बहुत अमेजिंग है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, लेकिन अगर आप हाई एंड टास्क करते हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क मिलेगा इन दोनों में ही। अब अगर इनके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो दोनों में ही आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल जाता है। OnePlus में आपको ऑक्सीजन OS मिलता है जो कि काफी ज्यादा क्लीन है, कोई भी ब्लोटवेयर उसमें नहीं मिलता है, लेकिन IQ में आपको फन टच OS मिल जाता है जिसमें आपको हॉट एप्स और ऐसे ब्लोटवेयर बहुत सारे मिल जाते हैं। ऑल्सो IQ में आपको 2 साल तक OS अपडेट्स एंड 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, और OnePlus ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन इसके आसपास OnePlus में भी मिल जाएंगे। चलो अब बात कर लेते हैं इन दोनों की ही गेमिंग की। भाई हमारे गेमिंग के जो टेस्ट थे वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थे, बिकॉज यहाँ पे जब मैंने इन दोनों की सेटिंग्स को चेक किया तो भाई OnePlus खेल सकता था हाई में, मैक्स सेटिंग्स में और वेरी हाई में, लेकिन वहीं जब हमने IQ की टेस्टिंग करी तो वहां पे जो सेटिंग्स हमको मिली वो थी लो एंड मैक्स और हाई और वेरी हाई। तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे आपको OnePlus में ज्यादा सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। दोनों में ही हमने जब गेमिंग करी तो बहुत अमेजिंग दोनों में ही गेमिंग हो रही थी, लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं तो ज्यादा स्मूथ गेमिंग IQ में हो रही थी। IQ भाई बहुत स्मूथली प्ले कर रहा था, जबकि दोनों में ही मैं देख रहा था कि 60 FPS पे दोनों के दोनों काम कर रहे थे। हमने दोनों में COD खेला एंड काफी देर तक खेला, उसके बाद भी दोनों में ही हमको कोई भी ऐसा हीटिंग का इशू नहीं देखने को मिला, बिकॉज हमने दोनों ही काफी अच्छे तरीके से हीट को भी मैनेज कर रहे थे। ऑल्सो दोनों ही कंसिस्टेंट 60 FPS पे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल स्मूथनेस की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे IQ में ज्यादा स्मूथ लगा, OnePlus हल्का सा जिटरी लगा, तो इसलिए ओवरऑल मेरा वोट जो है वो IQ की तरफ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही काफी अच्छे तरीके से हीटिंग को मैनेज करते हैं, दोनों में ही स्लाइटली हीटिंग मिलती है, ऐसे बहुत ज्यादा हीट नहीं होते हैं दोनों। तो ओवरऑल अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो वहां पे भी मुझे ज्यादा IQ बेटर लगा। और अगर BGMI वगैरह की बात करूं तो दोनों में ही आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन दोनों ही लगभग 60 FPS के आसपास ही काम करते हैं। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटरीज की। OnePlus में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, वहीं IQ में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है। OnePlus में 67W की चार्जिंग मिलती है, जो कि आपके फोन को चार्ज कर देगी 80% इन 30 मिनट्स। वहीं IQ में 44W की चार्जिंग मिलती है, जो कि 25 मिनट में 50% चार्ज कर देती है आपके फोन को। और अगर दोनों के बैटरी बैकअप की बात करूं तो दोनों का जो OS जिस तरीके से ऑप्टिमाइज है, भाई हमने दोनों ही फोन की टेस्टिंग जब स्टार्ट करी थी तो दोनों के दोनों 97% पे थे। हमने दोनों में ही सेम टेस्ट करे, दोनों को ही लगभग एक जितना ही यूज किया, और इन द एंड 4-5% ज्यादा बैटरी कम थी OnePlus की एज कम्पेयर टू IQ। तो डेफिनेटली स्लाइटली बेटर है IQ का ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी वजह से दोनों में जो बैटरी बैकअप मिलेगा आपको लगभग मैं बोलूंगा सेम ही देखने को मिलेगा। दोनों को ही अगर आप मॉडरेट यूज करते हो तो 1-1.5 दिन तक आराम से काम करेंगे। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने फोन को यूज कर रहे हो, और अगर लगातार गेमिंग कर रहे हो तो अराउंड 4-5 घंटे के आसपास का दोनों बैटरी बैकअप दे देंगे आपको। ये भी डिपेंड करता है आप कौन सी सेटिंग में कौन सा गेम प्ले कर रहे हो। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों के खूबसूरत कैमरास के बारे में। OnePlus में आपको 3 लेंसेज मिल जाते हैं, एक 108 megapixel का प्राइमरी और 2 2 megapixel के 2 अनदर लेंसेज मिल जाते हैं। वहीं IQ में एक 64MP और दूसरा 2 megapixel का लेंस मिलता है। तो भाई ये जो 2 2 megapixel वाले लेंस है ये तो सारे बेकार है, इनके बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है। दोनों के ही सेल्फी कैमरास की बात करूं तो दोनों में ही 16 megapixel का लेंस मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ
की जो ज्यादा अच्छे इमेजेस प्रोवाइड करता है वो है IQ Z7। यहाँ पे मैंने इन दोनों का ही फोटो कंपेरिजन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई किस लेवल का परफॉर्मेंस आपको मिल रही है इन दोनों ही फोन में, एंड डेफिनेटली IQ बीट कर देता है वन प्लस के कैमरा को। और यहाँ पे मैं वीडियो कंपेरिजन भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों में किस लेवल का आपको आउटपुट मिलेगा। अब ये दोनों के कैमरा सैंपल्स मेरे लेफ्ट साइड पे है IQ Z7, मेरे राइट साइड पे है OnePlus Nord C3 Lite। जो IQ है ये शूट कर सकता है 4K में, एंड जो OnePlus है ये 1080p तक लिमिटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल का आउटपुट आपको इन दोनों में ही देखने को मिलेगा। ऑल्सो ये है इन दोनों के ही वीडियो सैंपल्स फ्रंट कैमरा से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल का आउटपुट मिल रहा है। दोनों ही 1080p पे शूट कर सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे है OnePlus, राइट साइड पे है IQ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल के कलर्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिल रहा है। OnePlus में आपको थोड़ी सी वार्म इमेजेस मिलती है, ऑल्सो हल्की फुल्की आपको ब्लरी इमेजेस मिलेंगी, और ये स्किन टोन को थोड़ा सा व्हाइटिश कर देता है। वहीं अगर बात करूं IQ की, तो यहाँ पे आपको बेटर HDR मिलेगा, ज्यादा अच्छी ज्यादा शार्प इमेजेस मिलेंगी एज कम्पेयर टू OnePlus। और अगर वीडियोस की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको 4K 30fps तक का वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, 4K 60fps का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये शूट कर सकता है 1080p तक। बाकी दोनों में ही फ्रंट में आप 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है फ्रंट की, लेकिन फिर भी आप क्वालिटी देख सकते हो किस लेवल का आउटपुट आपको इन दोनों में ही मिलेगा। तो भाई चलो बात कर लेते हैं फाइनली आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, यानी कि कंक्लूजन की। तो डेफिनेटली बिना डाउट के IQ Z7 आपको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे OLED डिस्प्ले मिल रहा है, ये एक LCD डिस्प्ले ऑफर कर रहा है, यहाँ पे आपको बेटर कैमरास मिल रहे हैं, 4K रिकॉर्डिंग मिल रही है, एंड ये भाई साहब अभी भी 1080p रिकॉर्डिंग पे ही है। ओवरऑल अगर गेमिंग की बात करूं तो यहाँ पे गेमिंग आपको ज्यादा बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू OnePlus, जबकि सेटिंग्स आपको ज्यादा बेटर इस पे मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो ज्यादा बेटर आपको IQ में देखने को मिल रहा है। ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस, ज्यादा बेटर प्रोसेसर मिल रहा है, ज्यादा बेटर डिस्प्ले मिल रहा है, भाई और क्या चाहिए। इसके अलावा अगर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो वो भी हल्की सी बेटर लगी मुझे एज कम्पेयर टू OnePlus। क्लियरली विनर हो जाता है IQ Z7। तो अगर दोनों में से कंफ्यूज हो रहे हो तो IQ Z7 की तरफ चले जाओ, और अगर इसके अलावा कोई दूसरे फोन है जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उनके साथ भी इनका कंपेरिजन कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे और वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।